जाने सावन की शिवरात्रि पर किस मंत्र को जपने से मिलेगा मनचाहा वरदान। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी जाने वाला शिवरात्रि का महापर्व 30 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना एवं मंत्र जप करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव पूरे सावन मास पृथ्वी पर निवास करते हैं। जब भगवान विष्णु देव शनि एकादशी से 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं तो सृष्टि का संचालन भगवान भोलेनाथ अपने कंधों पर ले लेते हैं। ऐसे में पृथ्वी पर उनके जितने भी शिवलिंग हैं, उनकी पूजा अर्चना का विशेष फल मिलता है। इस दिन यदि कोई भक्त विधि विधान से पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर ले तो अवधारदानी भगवान शिव उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे धन आयु यश सुलता आदि का आशीर्वाद पाने के लिए आप नीचे दिए गए पूजा के उपाय और मंत्र जप अवश्य करें। शिव जी का प्रिय फूल और मंत्र। भगवान शिव को धतूरे के फूल बहुत प्रिय होते हैं। इसके अलावा हर सिंगार नाग केसर के सफेद पुष्प कनेर आक कुश आदि के फूल भी भगवान शिव को चढ़ाने का विधान है, लेकिन कभी भी भगवान शिव जी को केवड़े का फूल और तुलसी दल ना चढ़ाएं। महादेव के मंत्र से पूरी होगी मनोकामना। हिंदू देवताओं में भगवान शिव को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव के मंत्र का उपयोग मुख्य रूप से मृत्यु भय बाधा आदि को दूर करने के लिए किया जाता है। महादेव के मंत्रों का जाप करने से सभी प्रकार के रोग दुख भय आदि से मुक्ति मिलती है। शिव मंत्र में एक व्यक्ति की आंतरिक क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है। महादेव के मंत्र जब से जन्म कुंडली में नकारात्मक प्रभाव डाल रहे ग्रहों के दोषों का भी अंत हो जाता है। भगवान शिव का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का यह सबसे सरल मूल मंत्र है। इसका जप कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। इस छोटे से मंत्र को सभी वेदों का सार तत्व माना गया है। इसी तरह नम शिवाय के साथ नीचे दिए गए मंत्र से भी भगवान शिव की साधना कर उनसे आशीर्वाद पा सकते हैं। नम शिवाय ओम ह्रीं ह्रौं नम शिवाय ओम पार्वती ते नम ओम पशुपते नम ओम नम शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नम ओम।